अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, अपने अपने घरों में शाद होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेसिपी, वो है हमारे पाए। यहाँ पे आज हम पाए बना रहे हैं, इनको मैंने धो के रख लिया है। तो अब हम इसको बॉयल करने के डाल देते हैं। ये हमने पाए डाले, साथ में हमने एक दालचीनी और बड़ी इलायची डाल दी, साथ में नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। ये साथ में ही हम इसमें नमक डालेंगे, ये दो बड़े टेबलस्पून हमने डाल दिए, और अब इसको हम रेट लगा देंगे। चले जी, देखें ये हमारे बन के तैयार हो चुके हैं पाए। इसको मैंने बॉयल कर लिया है, अब इसकी बारी है कि अब हम इसमें इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही प्याज और लहसुन को सॉफ्ट कर लिया हुआ है। और इसमें अब हम मैं डालूँगी मसाला जात, नमक, मिर्च और हल्दी बस। और मेरे गरम मसाले ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं अभी आपके साथ ही ग्राइंड करूँगी, जो कि मैंने ये ग्राइंड करने के लिए रखे हुए हैं। ये देखें, काली मिर्च है, ज़ीरा है और सूखा धनिया। मैं इन्हीं तीन चीज़ों के साथ अपना मसाला बनाती हूँ, गरम मसाला। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स, और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हर चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक, मिर्च, ब्लैक पेपर, जो भी हो। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। पहले हम सूखा धनिया डाल लेते हैं इसमें। मेरा सूखा धनिया हो चुका है, इसको मैंने पीस लिया है। अब बारी है जीरे, अब हम जीरा पीसेंगे। चलो जी, ये देख लीजिए मेरे मसाले पीस चुके हैं। ये काली मिर्च है, ये ज़ीरा है और सूखा धनिया। अब हम इसमें अपने मसालों में इनको ऐड करते हैं। ये हम डालेंगे जीरा, फिर हम डालेंगे सूखा धनिया और काली मिर्च अभी नहीं डालेंगे, वो हम मेरे मसाले के साथ इसको मुकम्मल मसाले में मिक्स करके ऐड करेंगे, क्योंकि इस तरह से धनिया का जो कलर है ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा मसाला बन के कितना अच्छा सा तैयार हो चुका है। ये देखिए आप, बहुत अच्छा तैयार है। इसमें हम डालेंगे बूटियाँ, देखिए अब मैंने पाए इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि पाए तो भुने जाएंगे ना ऑयल में, तो इसको भुने हम भुनेंगे पहले, तो फिर बाद में जो इसका सूप निकला होगा वो इसमें हम डाल के ऐड कर देंगे और शोरबा हल्का सा बना लेंगे इसका। तो इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे जब तक ये भूनते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पाए भून चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम पाए का जो अपना सूप है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए तो चला गया। कलरफुल से पाए मेरे बन के तैयार हो चुके हैं, तो इनको अभी थोड़ा सा हम और पकाएंगे। यहाँ पर हमारे पाए पक के तैयार हो चुके हैं, देखें कितना कलरफुल सा इसका कलर आ चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये लें जी, देखिए कितने कलरफुल से हमारे पाए बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें, मज़ेदार, लजीज और टेस्टी हमारे पाए बने हैं, बहुत ही शीरी बने हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।